सो गाइस, ये होने वाला है आई एम अ टाइकून इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड 25। तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो शियाचू की माँ थी वो बोलती हैं कि तुम्हारा बेटा फिर से मेरी बेटी के साथ रहने के सपने देख रहा है। हाँ, मेरी बेटी के लिए तो कोई भी और भी अच्छा नौजवान मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे बेटे जैसा भद्दा इंसान मुझे मेरी बेटी के लिए नहीं चाहिए। अपनी माँ को देख कर शियाचू बोलती है, मॉम आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। शुपेई भी उन्हें देखकर बोलता है कि हेलो आंट शिया। एंड जो शुपेई के मम्मी पापा होते हैं वो भी शियाचू की माँ को देखते हैं। सो तभी जो शियाचू की माँ होती हैं वो बोलती हैं कि मुझे आंट मत बुलाओ, ओके, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे आंटी बुला सको। वो सो तभी जो शियाचू होती है वो अपनी माँ के पास जाती है, उनके हाथ पकड़ती है और बोलती है कि मॉम शुपे के मम्मी पापा यहाँ पर आए हुए हैं, आखिर आप ये कर क्या रही हो। सो अगले मोमेंट में जो शियाचू की मॉम होती है वो शियाचू के हाथों को खुद से दूर कर देती है और बोलती है कि मुझे छोड़ो। एंड उसके बाद शियाचू की मॉम शुफे और उसके पेरेंट्स से बोलती है, मैं यहाँ पर ये देखने के लिए आई हूँ कि आखिर इस जैसे भद्दे से लड़के को कौन पाल पोस सकता है, यानी कि इसके पेरेंट्स कौन है। शियाचू की मॉम को देखकर शुफे की माँ बोलती है, शियाचू की मॉम आप यहाँ पर बैठ जाइए और आइए हम खाते वक्त बातें करते हैं। सो तभी जो शियाचू की माँ होती है वो उनकी तरफ बड़े ही घटिया अंदाज में देखती है और बोलती है, क्या तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊं? अगर मेरी बेटी यहाँ पर तुम्हें लेकर नहीं आती तो तुम्हारी फैमिली की इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग यहाँ आकर खाना खा पाओ। ये बात सुनकर शुवे की माँ को थोड़ा गुस्सा आ जाता है एंड वो शियाचू की मॉम से बोलती हैं, ये तो बस खाने की ही बात है, हमारा परिवार इस खाने को अफोर्ड कर सकता है। सो तभी शियाचू की मॉम वहाँ पर जो वेटर खड़ा हुआ है उससे बोलती हैं कि इन गरीबों के परिवार को बताओ कि यहाँ पर एक बार खाना खाने का प्राइस कितना है। वो सर्वेंट जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है सो तभी जो शियाचू होती है वो बोलती है कि मॉम अब बस बहुत हो गया, चलो यहाँ से घर चलते हैं और वहाँ पर बात करेंगे कि क्या गलत है और क्या सही। लेकिन जो शियाचू की मॉम होती है वो उसकी बात नहीं सुनती और वेटर से फिर से बोलती है कि जल्दी बताओ कि आखिर एक बार यहाँ पर खाना खाने का प्राइस कितना है। सो अगले ही मोमेंट में जो सर्वेंट होता है वो बताता है कि इसका टोटल अमाउंट होता है 23,580 रुपए। और उस सर्वेंट की ये बात सुनकर शुफेई के मम्मी पापा दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और जो शियाचू की मॉम होती हैं वो उनके ऐसे हैरान हुए चेहरों को देख रही होती हैं। एंड उसके बाद जो शुफेई की माँ होती हैं वो शियाचू से पूछती है कि क्या 23,000 रुपए? शियाचू क्या तुम सच में शिया फैमिली की वारिस हो? सो जो शियाचू होती है वो बोलती है कि आंटी वो मैं। सो तभी जो वहाँ उसकी मॉम खड़ी हुई हैं वो बोलती हैं, हमारी शिया फैमिली का जो स्टेटस है वो बहुत हाई है, तुम्हारे जैसा कोई भी गरीब परिवार हमारी शिया फैमिली के साथ रहने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। शियाचू की मॉम की बात सुनकर जो शुफेई की माँ होती है वो उसकी तरफ घूरती है एंड उसके बाद वो अपने पति से बोलती है कि पति देव आप जल्दी से जल्दी बैंक जाइए और वहाँ से आप विड्रॉल कर लीजिए, आज यहाँ पर जो हम खाना खाए हैं उसके लिए पैसे हम देंगे। सो वहाँ पर जो शियाचू होती है वो बोलती है कि अंकल प्लीज आप मुझे गलत मत समझिए, मैं तो बस यहाँ पर आपको और आंटी को इनवाइट करना चाहती थी कि हम सभी साथ मिलकर यहाँ पर बैठकर खाना खा पाएं और कुछ भी नहीं, और मेरी माँ वो तो। सो तभी वहाँ पर शुफेई आता है जो शियाचू से बोलता है कि सीनियर सिस्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मेरे मम्मी पापा ऐसे नहीं हैं, वो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं समझेंगे। एंड उसके बाद शुफेई बोलता है, मॉम डैड मैं सिचुएशन को हैंडल करता हूँ एंड कुछ देर बाद मैं अपने रूममेट को बोल दूंगा जिससे वो आपके वापस जाने की टिकट कटवा देगा। सो तभी शुफेई की माँ बोलती है कि नहीं तुम्हारी मॉम यहीं रुकने वाली है तुम्हारे साथ, समझे। उन सब का ये फैमिली ड्रामा देखकर जो शियाचू की माँ होती है वो बोलती है, क्या मैंने किसी को भी ये इजाजत दी कि कोई यहाँ से जा सकता है? मैं यहाँ पर तुम्हारे बेटे से ये पूछने के लिए आई हूँ कि तुम्हारे बेटे ने मुझसे $1,000,000 पैसे ले लिए एंड उसके बाद भी मेरी बेटी के साथ क्यों घूम रहा है। एंड शियाचू की मॉम की ये बात सुनकर शुफेई की माँ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो शियाचू होती है वो बोलती है कि मॉम आपको यहाँ पर कौन लेकर आया है। सो जो शियाचू की मॉम होती है वो बोलती है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि शुफेई ने मुझसे वो सारे के सारे पैसे लिए हैं। सो तभी जो शियाचू होती है वो बोलती है कि गाँवयान है ना वही आपको यहाँ पर लेकर आया है। सो उसके बाद हम देखते हैं जो शियाचू होती है वो अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करने लगती है। दूसरी तरफ उसकी मॉम मुझसे बोलती है कि आखिर अब तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो, हाँ अभी के टाइम पर तो मैं इस झूठे मक्कार शुफेई से अपना हिसाब चुकता करना चाहती हूँ। लेकिन हम देखते हैं शियाचू ने जो फोन लगाया था उससे वो बात करते हुए बोलती है कि हाँ मैं बोल रही हूँ, जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है उससे जल्दी से ये नोटिफाई कर दो कि उन्होंने गांव के न्यू प्रोजेक्ट में जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है उसे विड्रॉ कर दें।
और कोई भी मीटिंग रखने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से जाओ और ऐसा कर दो। सो शियाचू की ये बात सुनकर जो उसकी मॉम होती है वो वहां पर बहुत ज्यादा हैरान होकर बोलती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, हाँ ये हमारा एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रोजेक्ट है, अगर तुमने इसका विड्रॉल कर लिया तो तुम और गाओ दोनों ही काफी सारे पैसे यहाँ पर गवा दोगे। सो जो शियाचू होती है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बोलती है कि आप मेरी माँ हो, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं शियाचू शिया फैमिली की वारिस हूँ। एंड ये सब देखकर ना जो शूफे का मतलब पेरेंट्स थे वो भी काफी ज्यादा हैरान थे, एंड शूफे उसे भी वहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। एंड दूसरी तरफ जो शियाचू की माँ थी वो शियाचू की ऐसी हरकत देखकर उसे बोलती है कि तुम सच में पागल हो गई हो। एंड उसके बाद वो वहां से जाते हुए बोलती है कि ठीक है अब हम घर पर बात करेंगे, तुम जल्दी से अपना फोन रखो और मेरे साथ चलो। एंड उसके बाद वो बाहर आते हुए बोलती है कि ये और इसका परिवार दोनों ही कितने ज्यादा बुरे हैं। हाँ मैं समझ सकती हूँ कि आखिर ऐसे लड़के को पालने वाले इसके पेरेंट्स कैसे हो सकते हैं, वो भी इसी की तरह बहुत बड़े घटिया होंगे। एंड दूसरी तरफ हम शियाचू को देखते हैं जो शूफे के परिवार से माफी मांग रही थी। वो बोलती है कि अंकल आंटी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी माँ जो है ना उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा रूडली बिहेव किया, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और उसके बाद जो शूफे की माँ होती है वो बोलती है कि शियाचू क्या शूफे ने सच में तुम्हारे परिवार से 1 मिलियन पैसे लिए हैं। सो जो शियाचू होती है वो बोलती है कि नहीं आंटी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सारे के सारे मैटर को संभाल लूंगी। तभी पीछे से शियाचू की मॉम की आवाज़ आती है कि आखिर अब तुम वहाँ पर क्या नाटक कर रही हो, जल्दी से चलो मेरे साथ हमें घर चलना है। और जो शियाचू होती है वो जूनियर ब्रदर यानी कि शूफे से माफ़ी मांग रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना। सो जो शूफे होता है वो बोलता है कि सीनियर सिस्टर आखिर मैं आपको इन सारी चीज़ों के लिए ब्लेम कैसे कर सकता हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और घर चली जाइए ओके। एंड उसके बाद जो शियाचू होती है वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ एंड मैं तुम्हें बाद में कॉन्टैक्ट करूँगी। एंड उसके बाद जो शूफे की माँ होती हैं वो बोलती हैं शूफे जो कुछ भी शियाचू ने कहा कि वो शिया फैमिली की वारिस है और जो कुछ उसकी मदर ने कहा क्या वो सभी सच है। सो जो शूफे होता है वो बोलता है कि हाँ ये सब सच है। शूफे की बात सुनकर उसकी माँ बोलती है तो अच्छा सच में तुमने उसकी माँ से 1 मिलियन पैसे लिए हैं। अपनी माँ की ये बात सुनकर शूफे वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाता एंड वो बिल्कुल साइलेंस हो जाता है, लेकिन तभी अगले मोमेंट में किसी के पीछे से आवाज आती है कि रुको। एंड हम देखते हैं ये उसके पापा होते हैं। वो बोलते हैं आखिर तुम्हारे पास उन 1 मिलियन में से कितने पैसे बचे हुए हैं, आखिर हमें उसके परिवार को उन 1 मिलियन में से कितने पैसे अभी और वापस करने हैं। और वो लड़की मैं तुम्हें ये सलाह दूंगा कि तुम्हें उससे कॉन्टैक्ट कोई भी नहीं रखना चाहिए, सारे के सारे कॉन्टैक्ट तोड़ लेने चाहिए। सो शूफे जवाब देता है कि मॉम डैड मैं सारी की सारी इन चीजों को संभाल लूंगा और जो सीनियर सिस्टर है जब तक वो मुझे पसंद करती है मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। सो जो शूफे की माँ होती है वो उससे बोलती है कि सच में क्या तुम सच में हर एक चीज को इसी तरीके से हमेशा रखना चाहते हो। देखो मुझे उस लड़की शियाचू से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम देख ही सकते हो ना कि जो शिया फैमिली का एटीट्यूड है तुम्हारे लिए वो किस तरीके का है। सो जो शूफे है वो बोलता है मुझे हर एक बात समझ में आ रही है जो आप बोल रहे हो और इसी वजह से मैं अब तक सीनियर सिस्टर को कई बार रिजेक्ट कर चुका हूँ। सो जो शूफे की माँ होती है वो बोलती है कि उसे रिजेक्ट करते रहना तुम्हारा एक काफी ज्यादा अच्छा आइडिया था, लेकिन अब तुम्हारे पास उससे लेकर जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं तुम्हें उन्हें तोड़ देना चाहिए और तुमने उसकी फैमिली से जो पैसे लिए हैं हम उसे भी जल्दी चुका देंगे। सो जो शूफे होता है वो जवाब देता है कि लेकिन मॉम अब सिचुएशंस बदलने लगी हैं, मेरे पास अब कॉन्फिडेंस और एबिलिटी दोनों हैं जिनसे मैं सीनियर सिस्टर के साथ रह सकता हूं। एंड उसके बाद जो शूफे की माँ होती हैं वो अपने पति से बोलती हैं कि मुझे पासबुक दोगे जरा। सो हम देखते हैं कि शूफे के पापा के हाथ में एक आईडी कार्ड होता है लाल कलर का, शायद से ये उनका बैंक कार्ड है। और वो बैंक कार्ड शूफे को देते हुए उसकी माँ बोलती है देखो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें इन पैसों का करना क्या है, हमने ये पैसे तुम्हारी शादी के लिए बचा कर रखे थे तुम्हें ये ले लेने चाहिए। एंड उसके बाद शूफे की माँ उससे बोलती है कि देखो मैं और तुम्हारे डैड तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर तुम्हें दूसरों की सिचुएशंस का फायदा नहीं उठाना चाहिए और तुम्हें हर एक चीज करनी चाहिए बिल्कुल लीगल तरीके से अच्छे तरीके से। अपनी मॉम की बात सुनकर शूफे यहाँ पर कोई जवाब नहीं दे पाता एंड यहीं पर हमारा ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो तुम लोग यहाँ पर अपने अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि तुम्हें क्या लगता है अब शूफे क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर शूफे की माँ ने कहा है कि उसे शियाचू के साथ उसके जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उन्हें तोड़ देना चाहिए। तो क्या हमारा हीरो अब शियाचू से बात करना बंद कर देगा या फिर यहाँ पर कुछ और होगा, ये सब जानने के लिए बने रहना इसी चैनल पर एंड कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर करना मत भूलना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।